Hello students, welcome to MGNS and this is your science class. I'm going to start your chapter 1, that is the green plants. So before going to read it from book, I want to let you know some new words of this chapter. First word is chlorophyll, C-H-L-O-R-O-P-H-Y-L-L, chlorophyll. Chlorophyll ek green color ka pigment hota hai. That is present in the leaves, जिसकी वजह से leaves का color green होता है. Chlorophyll. Then second word is presence. Presence means किसी भी चीज का होना. That is presence. P-R-E-S-E-N-C-E. Presence. Third word is pigment. P-I-G-M-E-N-T. Pigment means होता है substance. कोई भी चीज होती है सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पिगमेंट पी आई जी एम ई एन टी द नेक्स्ट वर्ड इज लेमिना एल ए एम आई एन ए लेमिना लेमिना इट इज अ पार्ट ऑफ अ लीफ फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लेमिना कहते हैं नेक्स्ट वर्ड इज पेटियोल पेटियोल इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीव जिसकी वजह से लीव जो है वो स्टेम और ब्रांच से अटैच रहती है जो जो लीव में सबसे नीचे वाला पार्ट होता है लीव का जिसे हम डंडी भी बोलते हैं जिसके थ्रू हम उसको पकड़ते हैं तो वो जो होती है वो स्टेम और ब्रांच से अटैच रहती है उसके थ्रू दैट इज नोन एज पेटियोल नेक्स्ट वर्ड इज मिडरिप एम आई डी आर आई बी मिडरिप मिडरिप इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीव द सेंट्रल लाइन ऑफ द लीव जो बीच वाली लाइन होती है वीन होती है लीव में दैट इज नोन एज मिडरिप नेक्स्ट वर्ड इज स्टोमेटा एस टी ओ एम ए टी ए स्टोमेटा स्टोमेटा टाइनी टाइनी होल्स होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंडर साइड में छेद होते हैं छोटे छोटे से जिसके थ्रू लीव्स जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं ठीक है दैट इज नोन एज स्टोमेटा देन गार्ड सेल्स जी यू ए आर डी गार्ड सी ई डबल एल एस गार्ड सेल्स स्टोमेटा के आसपास बीन लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है द नेक्स्ट वर्ड इट इज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल इनके प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस देन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि प्लांट्स इनटेक करते हैं ब्रीथ इन करते हैं दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इट इज ऑल्सो गैस जो ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं इनहेल करते हैं दैट गैस इज ऑक्सीजन ओ एक्स वाई जी ई एन देन नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्च स्टार्च जो होता है एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है वाइट कलर का जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है एज अ फूड फूड जो रिमेनिंग फूड होता है वो स्टोर हो जाता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और स्टार्च जो होता है वो पाउडर लाइक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है देन नेक्स्ट वर्ड इज इंटरडिपेंडेंस आई एन टी ई आर डी ई पी ई एन डी ई एन सी इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस मतलब किस एक दूसरे पे डिपेंड करना एक दूसरे पे निर्भर होना लाइक प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड एनिमल्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड देन जर्मिनेशन जी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन जर्मिनेशन जर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो सीड है दैट ग्रोन इनटू अ प्लांट दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन नेक्स्ट वर्ड इज बैलेंस बी ए एल ए एन सी ई बैलेंस मतलब इक्वल किसी भी चीज़ को इक्वल रखना बैलेंस करके रखना देन नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन पॉपुलेशन इट इज ग्रोथ ऑफ पीपल पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया जो
लोगों की जनसंख्या जो होती है, नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं, वो एक एरिया में, एक सिटी में या एक कंट्री में कितना नंबर है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. ओके, देन आफ्टर दिस योर न्यू वर्ड्स आर ओवर एंड वी विल रीड फ्रॉम अवर बुक इन द नेक्स्ट वीडियो.